इस साल के आखिरी में एमपी में चुनाव होने हैं और इसके ठीक पहले भाजपा और भाजपा के एक बड़े नेता सिंधिया को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस लगातार सिंधिया को टारगेट कर रही थी और इसमें पार्टी को सफलता भी मिली है। सिंधिया के साथ भाजपा में गए उनके करीबी बैजनाथ यादव अपने समर्थकों के साथ अब कांग्रेस में वापस से शामिल हो गए हैं। सिंधिया के करीबी बैजनाथ यादव, विनय यादव, नीरज सिंह, रामवीर यादव समेत कई समर्थक और नेता कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। इसके पहले बीजेपी के यादवेंद्र सिंह यादव भी कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। बता दें कि बैजनाथ मूलतः कांग्रेसी नेता हैं, लेकिन साल 2020 में सत्ता परिवर्तन के दौरान बैजनाथ यादव भी तत्कालीन कांग्रेस नेता ज्योतिराज सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। बैजनाथ सिंह यादव की पत्नी कमला यादव शिवपुरी जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। चर्चा है कि बैजनाथ यादव की स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पटरी नहीं बैठ रही थी, यही वजह है उन्होंने सत्ताधारी दल भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। बुधवार को उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस दल बदल के दौरान बैजनाथ यादव ने अपनी ताकत का भी एहसास करा दिया। लगभग 400 गाड़ियों के काफिले के साथ बैजनाथ अपने समर्थकों के साथ राजधानी भोपाल स्थित पीसीसी दफ्तर पहुंचे और कांग्रेस की सदस्यता ले ली। कांग्रेस लगातार 2023 के चुनाव को लेकर सिंधिया को घेरने में लगी है। कांग्रेस की नज़र उन सिंधिया समर्थकों पर है जो घर वापसी करना चाहते हैं। पूर्व मंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने कहा कि भाजपा में भगदड़ मची है। प्रदेश जिला और ब्लॉक स्तर पर नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अरुण यादव ने कहा कि अब बीजेपी में अकेले सिंधिया बचेंगे। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा करना चाहती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएगी। खैर, सिंधिया समर्थक बैजनाथ यादव के भाजपा छोड़ने पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके हमें बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।